तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फेंग कोमा से बाहर आ चुका होता है, पर ज्यादा घायल होने की वजह से उसकी सोल पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। यह देखकर सिनर उसे डिवाइन स्टोन लिक्विड के बारे में बताती है, जो सुनकर लीन फेंग बोलता है अगर वह मुझे मिल जाए तो उससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह वॉर डोमेन में जाकर उस लिक्विड को लेकर आएंगे। अब मिस सुई लीन फेंग के ठीक होने की खबर सभी स्वॉर्ड मास्टर को जाकर देती है, जो सुनते ही हेडमास्टर और मास्टर बाईचैन लीन फेंग से मिलने के लिए आते हैं और अब वह लोग लीन फेंग को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लीन फेंग उनसे माफी मांगते हुए बोलता है, मैंने आप सभी लोगों को इस जगह पर परेशान किया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दे। तभी मास्टर बाईचैन बोलते हैं, तुम इस जगह पर ठीक हो, यह देखकर हमें काफी ज्यादा खुशी है। अब लेडी मास्टर आगे बढ़ते हुए पूछती है, लीन फेंग आखिर इस जगह पर तुमने अपनी सोल इंजरी को कैसे हील किया। यह सुनते ही साउटियान उनके पास जाते हुए बोलता है, आप नहीं जानती कि मेरे मास्टर के पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और तो और उनके पास इतने सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकती हो। यह सुनते ही लीन फेंग साउटियान का मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि मेरी बॉडी इस जगह पर बिल्कुल ठीक है पर मेरी सोल पावर काफी ज्यादा कम हो गई है, जो कि डिवाइन स्टोन लिक्विड का यूज करते हुए रिकवर हो सकती है। तभी हेडमास्टर आगे आते हुए बोलते हैं, पर डिवाइन स्टोन लिक्विड को हासिल करना इतना आसान नहीं और अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो, तो पहले तुम्हें अपनी थोड़ी पावर बढ़ाकर हेवनली स्वॉर्ड पीक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह सुनते ही साउटियान बोलने लगता है, मैं भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। तभी हेडमास्टर बोलते हैं, पर उस कंपटीशन में पैट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। साउटियान गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं कोई पैट नहीं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं एक एशियंट गॉड हूँ और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मास्टर लीन फेंग से भी इस बारे में पूछ सकते हो। तभी लीन फेंग बोलता है, यह बेवकूफ है, आप लोग इसकी बात पर ध्यान ना दें, यह इसी तरह बकवास करता रहता है। यह सुनकर साउटियान वहां पर रोने लगता है, जो देखकर सभी की हंसी छूट जाती है। अब हमें स्वॉर्ड पीक कॉम्पिटिशन का दिन दिखाया जाता है और अब एक जगह पर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मास्टर और डिसाइपल्स इकट्ठा होते हैं। तभी लीन फेंग में सुई और सिनर वहां पर आते हैं, जिन्हें देखते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, यह तो ब्रदर लीन फेंग है, पर यह उस डीमन के साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा घायल हो गए थे, तो क्या यह भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब हेडमास्टर आगे आते हुए बोलते हैं, मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में 7 साल में एक बार होने वाला यह कॉम्पिटिशन अब स्टार्ट होने वाला है और इस बार पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को काफी पावरफुल वेपन्स मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस पूल में 50 किंग रैंक स्वॉर्ड मौजूद है, 20 रॉयल स्वॉर्ड और 10 होली स्वॉर्ड। अब यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हेडमास्टर बोलते हैं, बस इतना ही नहीं, हमारे पास 3 डिवाइन स्वॉर्ड भी मौजूद है, तो कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। अब वहां पर पहला मैच मिस सुई और ली जिनफे नाम के एक पर्सन में होता है। अब मिस सुई को देखते ही ली जिनफे बोलता है, हम दोनों ने बचपन से ही एक साथ ट्रेनिंग की है और यह बात तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ, तो तुम यहाँ पर हार क्यों नहीं मान लेती। तभी मिस सुई बोलती है, पिछले कुछ महीने उसने भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है तो ली जिनफे को उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और मैंने लीन फेंग को देखकर एक बात सीखी है कि भले ही तुम्हारा अपोनेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हें अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उससे फाइट करना चाहिए, तो इस जगह पर हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब लीन फेंग का नाम सुनते ही लिजिन को काफी गुस्सा आता है। तभी मिस सुई उस पर अटैक कर देती है, पर लिजिन काफी आसानी से मिस सुई के अटैक को ब्लॉक करता हुआ मिस सुई पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। वहीं मिस सुई सोच रही होती है कि लिजिन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे भी पता है कि वह लिजिन को नहीं हरा सकती है, पर फिर भी वह इस जगह पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट करेगी और अब वह अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए लिजिन पर अटैक करती है, पर लिजिन काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वह अपने हेवनली अभ्यास मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे मिस सुई पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है।
वही लीन फेंग लिजिन के मार्शल सोल को काफी ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि लिजिन का अपोनेंट जब भी उसके मार्शल सोल के कांटेक्ट में आता है उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। अब लिजिन के हेवेनली अभ्यास मार्शल सोल की वजह से मिस सुई की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है, जो देखकर लिजिन हंसते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम यहाँ पर हार मानना चाहोगी। जिसके बाद वह कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से मिस सुई पर अटैक करके उसे एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है, और अब वह फॉर्मेशन धीरे धीरे मिस सुई की पावर को खत्म करने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मिस सुई काफी ज्यादा पावरफुल है। पर लिजिन के सामने वह भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि लिजिन का मार्शल सोल काफी ज्यादा खतरनाक है। वही यह देखकर हेडमास्टर के साथ साथ सभी स्वॉर्ड मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि लिजिन ने उस जगह पर मिस सुई की पूरी पावर को खत्म कर दिया होता है, और अब वह मिस सुई पर अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे मिस सुई वहां पर हार जाती है और इस मैच का विनर लिजिन होता है। तभी सिनर और लीन फेंग मिस सुई के पास आते हुए उसे उठाते हैं। अब एक स्वॉर्ड मास्टर लीन फेंग के पास आते हुए बोलते हैं, लीन फेंग तुम्हारी अगली फाइट लिजिन के साथ है, तो इस जगह पर लिजिन को थोड़ा आराम करने दो, जिसके बाद तुम इससे फाइट कर सकते हो। तभी लिजिन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस फाइट से बिल्कुल नहीं थका हूँ। और अब वहाँ पर लिजिन और लीन फेंग की फाइट स्टार्ट होती है। तभी लिजिन बोलता है, लीन फेंग मैंने इस जगह पर तुम्हारा नाम बहुत सुना है, और यहाँ पर सुई हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है, और वह तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम अभी अभी डिवाइन रैलम के सेकंड लेवल पर पहुँचे हो, पर इसके बावजूद इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तभी लीन फेंग बोलता है, ब्रदर लिजेन आप भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और आपकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे यहाँ पर आपसे फाइट करके काफी ज्यादा खुशी होगी। यह सुनकर लिजेन हंसने लगता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।